दुनिया में जो सिक्योरिटी होती है उसके रिव्यू भी होता है और सिक्योरिटी देने के क्राइटेरिया भी होते हैं। उन क्राइटेरिया में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि सामने वाले को कितना खतरा है, किन से खतरा है, किस क्षेत्र में खतरा है, किस कारणवश खतरा है। परंतु दुर्भाग्यवश एक हमारे यहाँ एक एलीट क्लब बन गया था और जिन लोगों को सुरक्षा मुहैया होती थी वो अपने आप को एलीट क्लब का मेंबर मानते लगे थे। उसमें सभी दलों के लोग थे। मैं कहता हूँ हमारे भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मानने लगे थे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता। तो जो हमारी पार्टी की जो नीति है कि सबको बराबर रखा जाए, तो उसी के तहत हम कर रहे हैं। और फाइनली आप एक बात देखिए कि ये जो सुरक्षा मुहैया कराने वाले होते हैं ये तो एक्स चेकर का जो करदाता होता है उसके सेवक हैं, तो उसकी सेवा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन किसी की शान बढ़ाने के लिए यदि उनका उपयोग होता है तो ये उपयोग नहीं दुरुपयोग है। और मैं उदाहरण देता हूँ कि ये एलिट कल्चर कैसे बना था। आप सन 2017 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट देखे, उसमें जैसे ही अखिलेश यादव जी की एंट्री होती है तो जो काली वर्दी में जो कमांडोज होते हैं बंदूक लेके चल रहे हैं उनके साथ वो दिखाया जाता है पहला दृश्य। तो आप ये समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या है कि उसको एक एलिटिज्म का सिंबल मान लिया गया है, उस पर हमने प्रहार किया है। ठीक है, हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, आप इस बात से कितने सहमत हैं? जैसा कि शेख साहब ने कहा, जैसा कि एक सूची ही सामने आई है, बाकी बहुत सारे नाम हैं जो अभी कतार में हैं, लिस्ट आनी बाकी है। उसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का नाम भी शामिल है, बीजेपी के कई ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम शामिल है, साक्षी महाराज को ले लीजिए, जिनके ऊपर भी इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। तो क्या वाकई में निष्पक्षता इस मामले को लेकर आपको देखने को मिल रही है?